हेलो एंड वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, गुड अफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऑन बिहाफ ऑफ राजमाता आनंद कुमारी पब्लिक स्कूल आई वेलकम यू ऑल फॉर सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, इफ आई गिव यू अ प्लेट फुल ऑफ राइस एंड wheat grains, how will you separate them? Tell me. अगर मैं आपको एक प्लेट दूं जिसमें चावल और गेहूं के दाने भरे हों, चावल और गेहूं, आप उसे कैसे अलग अलग करें? How will you separate them? Simple. I will add some water. It will dissolve the salt. गेहूं और चावल हैं, उन्हें कैसे अलग करेंगे? पानी डाल के अलग कर देंगे। बाय हैंड पिकिंग, हाथ से करने पड़ेंगे। या अगर कोई सीविंग सिस्टम है अवेलेबल तो सीव कर देंगे। आई विल मैन्युअली पिक देम इन टू सेपरेट कंटेनर। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग कंटेनर में चावल को अलग करेंगे बाय हैंड पिकिंग मैन्युअली, गेहूं अलग करेंगे। बट इफ आई गिव यू अ प्लेट फुल ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, बालू और नमक मिला के एक प्लेट दे दिया जाए, उसकी हैंड पिकिंग कर सकते हैं? हाथ से बालू और नमक को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो सभी चीजें हैंड पिकिंग से नहीं अलग की जा सकती। तो सेपरेशन के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के सेपरेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ऐसे कैसे करेंगे? उसमें पानी मिला देंगे तो नमक उसमें घुल जाएगा और जो बालू होगी वो नीचे बॉटम पर बैठ जाएगी, बालू ने उसमें नहीं घुलेगी पानी में। तो इस तरह से बॉटम पर बैठी हुई बालू को छोड़कर ऊपर ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में पलट लेंगे, जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन, बैठने को और पलटने को डिकेंटेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं सेपरेशन के। तो सेपरेशन मेथड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? देयर आर सो मेनी प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम हियर। टू द पॉइंट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर जानना है हमें। टू एप्रिशिएट द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस का सेपरेशन क्यों करना है इसके लिए भी जानना है। टू नो अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड, टू नो अबाउट सेपरेटिंग इनमिसिबल लिक्विड्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। नाउ we discuss about types of mixtures. As per the properties, types of mixture, different substances present in a mixture are called its constituents. On the basis of their constituents, mixture can be classified into homogeneous and heterogeneous. And first of homogeneous mixture. A mixture where its constituents cannot be seen separately is called a homogeneous mixture. Some common examples are air, which is a mixture of different gases. Air is a mixture of several gases. बट ये गैसेस क्या हम अलग 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 दिखाई देती है डिफरेंट डिफरेंट? तो कोई ऐसा मिक्सचर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट सेपरेट दिखाई देते हैं, सब एक जैसा हो बोला मिला, इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मिल्क, मिल्क विच इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम, कैल्शियम एंड विटामिन का मिक्सचर होता है। मिल्क फैट, वाटर और प्रोटीन का मिक्सचर होता है।
मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, लेकिन पूरी तरह मिला होता है, एक जैसा दिखता है, इसीलिए कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर। और नेक्स्ट सुगर केन जूस, गन्ने का रस, गन्ने का रस होता है पूरा एक जैसा दिखता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज भी है, वाटर भी है, फ्रक्टोज भी है। नेक्स्ट सेकंड हेटेरोजीनस, फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग, जिस मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट सेपरेट दिखाई दे, अलग अलग रहे हैं, पूरी तरह मैशअप हो गए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज इट इज होमोजीनस की तरह ना दिखाई दे, अलग अलग रहे सेपरेट। जैसे बालू में मतलब आयरन की फिलिंग, अ मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड राइस, चावल के दाने में कुछ पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर पड़े हुए, तो वो घुल मिल तो नहीं जाएंगे, तो सेपरेट रहेंगे, मिक्स मिक्स बेशक है लेकिन उनमें सेपरेट सेपरेट दिखाई देंगे ना, तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। द मिक्सचर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर भी मिक्सचर को क्लासिफाई किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी सॉलिड सॉलिड, हो सकता है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो, या सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो, या लिक्विड लिक्विड हो, या गैस गैस मिक्सचर हो, या लिक्विड गैस मिक्सचर हो, या सॉलिड गैस मिक्सचर, तो इसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला नंबर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सॉलिड सब्सटेंसेस दैट हैव बीन फिजिकली कंबाइंड। फॉर एग्जाम्पल सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स सच एज सैंड, क्ले, डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस। नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड इन विच द सॉलिड इज सॉल्युबल, फॉर एग्जाम्पल सी वॉटर इज ए मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड वेरियस सॉल्ट्स, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ टू लिक्विड्स विच आर मिसिबल, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वॉटर, जिनकी वजह से दो लिक्विड के मिलने से लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, ऐसे ही सॉलिड गैस मिक्सचर जिसमें सॉलिड और गैस का मिक्सचर बनता है, एग्जाम्पल स्मोक धुआं, जिसमें कार्बन अनबर्न्ड कार्बन सॉलिड होता है और एच पार्टिकल और गैसेस उसमें मिल, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मिलके सॉलिड गैस मिक्सचर बनाते हैं। गैस लिक्विड मिक्सचर जिसमें गैस और लिक्विड मिलकर बनाते हैं, जैसे मॉइस्चर होता है, वाटर इवेपोरेट होकर गैसेस फॉर्म में चला जाता है, तो इवेपोरेटेड वाटर और एयर दोनों मैशअप होकर मिक्सचर बनाते हैं ह्यूमिडिटी, evaporated water, gas gas के mixture बहुत सारे होते हैं, consist of two or more gases, for example air is a mixture of different gases, okay dear students, you should read these topics carefully, try to learn about them।